नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सीता के किरदार में दिखेंगे आयुष्मान। ये किरदार है बेहद खास। तीन लोग मिलकर पहनाते थे आयुष्मान को साड़ी। क्या है ये खबर, आइए आपको बता दें हैं। आयुष्मान खुराना की पिछली दो फिल्में अंधाधुन और बधाई हो बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही। इन दोनों ही फिल्मों से एक बार फिर छा गए आयुष्मान खुराना। इन दिनों वो ड्रीम गर्ल फिल्म में काफी बिजी है। इस फिल्म में वो साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं और इसी से जुड़ा एक इंसिडेंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। ड्रीम गर्ल के लिए वो साड़ी पहने नजर आएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि वो इस फिल्म में एक लड़की का रोल प्ले करते दिखेंगे। सोर्सेस की माने तो आयुष्मान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो लोगों की मदद से साड़ी पहन पाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान आयुष्मान ने अपने कैरेक्टर को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया, फिल्म की कहानी एक लड़के की है जो हमेशा साड़ी पहने रहता है। साड़ी पहनना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इस दौरान तीन लोग मुझे साड़ी पहनने में मदद करते थे, लेकिन मुझे इस दौरान बहुत मजा आया। हमने मथुरा फरीदाबाद में इस फिल्म की शूटिंग की है। इस फिल्म में दो तरह के लहजे में डायलॉग बोलता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि दोनों शहरों की भाषा में काफी फर्क है। ड्रीम गर्ल का निर्देशन राज शांडिल कर रही हैं। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म में आयुष्मान उस व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे जो रामायण की सीता, महाभारत की द्रौपदी और कृष्ण लीला की राधा जैसे फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। गौरतलब है कि आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म में अपने किरदार का एक लुक शेयर किया था, जिसमें वो साड़ी, हाथों में चूड़ियां और पैरों में चप्पल पहने हुए नजर आ रहे थे। उनके पीछे एक जीवन भरण की दुकान भी चल रही थी और रामलीला समिति का मंदिर भी दिखा था। तो कुल मिलाकर आयुष्मान का ये रोल भी काफी शानदार होगा, और जैसा कि वो हर फिल्म में काफी ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं, तो यकीनन ड्रीम गर्ल में भी वो ऐसा कुछ करते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान खुराना अपने अलग तरह के रोल के लिए जाने जाते हैं, तो यकीनन ड्रीम गर्ल में भी उनका किरदार बिल्कुल अलग होगा। इस वीडियो में बस इतना।